फुल वैलेंटाइन की तैयारी है हमारे अपार्टमेंट में। गाइस फाइनली आ चुके हैं हम अपने सरप्राइज लोकेशन पे, रेडी हो चुकी है और जो नंबर रहेगा 303 स्मार्ट वन। सो वो फाइनली अपनी गाड़ी बाहर निकल रही है, ये तुम्हारा वैलेंटाइन डे गिफ्ट। हे गाइस वी आर बैक अगेन विद ए न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त मजे में होंगे। सो गाइस आप जानते हैं वैसे भी ये वीक चल रहा है वैलेंटाइन वीक, तो आप सबको वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। साथ ही सरस्वती पूजा भी आने वाली है, तो आपको सरस्वती पूजा की भी हार्दिक बधाई सबको। साथ ही वैलेंटाइन वीक है तो कुछ तो सरप्राइजिंग करना बनता है। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं नेवी को सरप्राइज देने के लिए, कुछ प्लान करने, तो बने रहिएगा ब्लॉग में साथ में, देखते हैं क्या सरप्राइज करने वाले हैं। वैसे तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अपनों के लिए कुछ भी करना, एक छोटा सा कुछ भी करना एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो चलते हैं, सारी तैयारी करते हैं उसकी। ऑलरेडी काफ़ी सर्चिंग मैं उसके रिगार्डिंग कर चुका हूँ, बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत टाइम लगा है, उसके बाद ये फाइनल हुआ है। तो चलते हैं फटाफट और सरप्राइज़ की अपन डिलीवरी ले लेते हैं। सो गाइस फाइनली अपने सरप्राइज़ के लिए निकलने का टाइम हो चुका है। उससे पहले मैं यहाँ भी देख रहा था हमारे अनमोल भाई का ब्लॉग, जो कि है इंडियन बैकपैकर्स, ये बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टू लंदन। अगर आपको भी ऐसा कोई शौक है तो आप इनका चैनल देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे ब्लॉग्स बनाते हैं। 5 साल की इनकी यूट्यूब जर्नी है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे ये ब्लॉग देखना। अभी निकलते हैं फटाफट, क्योंकि मेरा फ्रेंड मेरे साथ जाने वाला है, तो वो आ चुका है अभी, तो निकलते हैं अभी और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। सो लिफ्ट में आ चुके हैं फटाफट और निकलते हैं। लिफ्ट काफ़ी गंदी कर रखी है लोगों ने यार, यहाँ पर चलते हैं नीचे। आप देख सकते हैं फुल वैलेंटाइन की तैयारी है हमारे अपार्टमेंट में। जस्ट किडिंग, ये मेरे सरप्राइज़ के लिए डेकोरेशन है जो कि मैंने नहीं करवाई है। तो चलते हैं फटाफट निकलते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। गाइस फाइनली आ चुके हैं हम अपने सरप्राइज़ लोकेशन पे। जी हाँ, ये है होंडा का शोरूम और हम लेने वाले हैं निवी के लिए एक्टिवा। तो चलते हैं अंदर और बाकी प्रोसेस पूरा करते हैं। फाइनली यहाँ फाइल रेडी हो चुकी है और जो नंबर रहेगा 3030, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी चलते हैं, आओ गाड़ी का कलर देख के आते हैं। सो गाइज ये रहा पूरा आपका सेटअप इन लोगों का, यहाँ पर सारा गोदाम है जहाँ गाड़ी रेडी होती है। सो ये वाली हमारी गाड़ी है, इसमें 4 तरह के मॉडल्स आते हैं एक्टिवा 125, आपको भी पता होगा। फर्स्ट आता है ओनली ड्रम, उसके बाद आता है ड्रम एंड अलॉय, फिर आता है डिस्क प्लस अलॉय, और एक है स्मार्ट वन। तो स्मार्ट वन मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये वाली है स्मार्ट वन, इसमें आपको मेन जो है स्मार्ट मिलेगा, डिजिटल मीटर है, प्लस किक नहीं है, और जो आपकी कीज़ रहेंगी वो वायरलेस कीज़ है, इसमें चाबी नहीं है अंदर। तो लेने का मन ये था, लेकिन याद आया कि अगर गलती से बैटरी डाउन हुई तो आप रस्ते में रह जाओगे, इसलिए वो कैंसिल करके सेकेंड टॉप मॉडल है वो हम ले रहे हैं। तो फटाफट इसकी सारी एसेसरीज ऑलरेडी फिटेड है, तो डिलीवरी लेते हैं और चलते हैं। फाइनली अपनी गाड़ी बाहर निकल रही है। फाइनली ले चुके हैं हम अपनी एक्टिवा और खड़ी हुई है यहाँ पर, चलते हैं। शोरूम रहेगा ये द्वारका में, अगर आप रहते हैं, अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप कर सकते हैं, प्राइस आपको बेस्ट मिल जाएगी, बाकी आप अपनी रिसर्च करके आइएगा। अभी निकलते हैं पेट्रोल पम्प फटाफट, बाकी डिटेल्स आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। वो फाइनली आ चुके हैं हम पेट्रोल पम्प पे। भाई साहब गूगल मैप ने पागल बना दिया, करवाते हैं टंकी फुल। फर्स्ट
फिलिंग करते हैं और उसके बाद फिर एवरेज का फाइंड आउट करेंगे कितना एवरेज मिलता है इस गाड़ी पे हमें। जीरो वहाँ हो चुका है, फुल है ना? हाँ फुल कर दीजिए। स्टार्ट हो चुका है मीटर अपना। चार लीटर आया है अप्रॉक्स अभी तो, और जाएगा। पावर है, पावर 4.5 लीटर में फुल हो गई है। तो गाइस अभी आ गए हैं मंदिर पूजा करवाने के लिए, फटाफट पूजा करवाते हैं और फिर घर चलते हैं। अभी पंडित जी से पूजा करवा लेते हैं। फाइनली पूजा हो चुकी है और अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। अल भाई यहाँ खड़े हैं और अपने भगवान जी, और ये रही अपनी एक्टिवा, और निकलते हैं फटाफट घर के लिए। ये तुम्हारा वैलेंटाइन डे गिफ्ट, चलानी आती नहीं, चलानी मुझे ही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए। अब जल्दी से सही हो जाओ। सो गाइस फाइनली आपने सारा प्रोसेस देख लिया एक्टिव वाले के, हम घर आ चुके हैं नेवी के लिए, और उसे चलानी आती नहीं है, सिखाएंगे पहले। अभी थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब है, ठीक हो जाएगी, उसके बाद उसको चलाना सिखाएंगे, और छोटे मोटे कामों के लिए मैं भी यूज़ कर लूँगा। तो आपने सारा प्रोसेस देख लिया है, आई होप आपको सब पसंद आया हो। अगर कोई भी क्वारी है तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। साथ ही अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नई खुशी के साथ, नए गिफ्ट के साथ और नए किसी प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।